आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान 2021 का साल, जुलाई का महीना, प्रधानमंत्री मोदी नए सिरे से कैबिनेट का गठन कर रहे थे। कुछ माननीयों के नाम इस मरतबा काट दिए गए थे, वहीं कुछ नए लोगों की एंट्री हुई थी। लेकिन दिलचस्प था एक आंकड़ा जिसको एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने पब्लिक डिस्कोर्स में रखा था। ADR एक NGO है जो इलेक्टोरल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के क्षेत्र में काम करती है। आंकड़ा ADR ने ये दिया कि नए चेहरे शामिल करने के बाद जो 78 लोगों की कैबिनेट बन रही है, इसमें से 42% लोग, जी 78 का 42% यानी 33 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। न सिर्फ इतना बल्कि 24 पर तो रॉबरी यानी डकैती, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस चार्जेज हैं। मंत्रियों को एक पल आप छोड़ भी दीजिए तो देश में सांसद से लेकर विधायकों का यही हाल है। लब्बुलुआब ये कि हर तीसरा सांसद या विधायक किसी न किसी क्रिमिनल केस में आरोपी है। अब इतने संजीदा केस हैं तो गिरफ्तारी भी बनती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं। बहुत से नियम कायदे कानून हैं इसके। क्या हैं वे? एक सांसद या मंत्री की गिरफ्तारी के नियम क्या हैं? स्पीकर की इस दौरान क्या भूमिका होती है, जानेंगे इससे। नमस्ते, ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं आप, मेरा नाम है शुभम तिवारी। तेलुगु मूवीज में एक्टर रही महाराष्ट्र के अमरावती से फिलहाल सांसद हैं नवनीत राणा। उनको महाराष्ट्र पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो इस पर माथापच्ची होने लगी कि सांसद की गिरफ्तारी ऐसे कैसे हो सकती है। नवनीत पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगे। साथ ही महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल उद्धव ठाकरे, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के चलते गिरफ्तार किया गया। फिर कोर्ट में पेशी हुई और जेल भेज दिया गया। मामला अब सब जुडिस है, लेकिन क्या सांसद को इस तरह गिरफ्तार वाकई किया जा सकता है? गिरफ्तारी को लेकर कौन से प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार सदन और उसके रिप्रेजेंटेटिव को हासिल है? स्पीकर की इस दौरान क्या होती है भूमिका? और क्या गिरफ्तारी केस के प्रकार पर भी डिपेंड करता है कि मामला क्रिमिनल है या सिविल है? यही बता रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में प्रोफेसर डॉक्टर किरण गुप्ता। अगर हम सिविल केस की कोई बात करें कि किसी व्यक्ति, किसी सांसद के या विधानसभा के सदस्य के खिलाफ कोई हमें सिविल केस करना है, अगर पार्लियामेंट या विधानसभा सेशन में है तो हमें स्पीकर या चेयरमैन की परमिशन की जरूरत होगी, उसके बिना हम नहीं कर सकते। उसके अलावा भी जहां तक सिविल केस में अरेस्ट की बात है, तो जब पार्लियामेंट सेशन में है तब किसी सिविल मैटर में भी बिना स्पीकर या अध्यक्ष चेयरमैन की परमिशन के बिना किसी सांसद को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, सिविल केस में भी। और यही नहीं कि पार्लियामेंट सेशन में होता, उससे 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन बाद तक भी किसी सांसद को बिना चेयरमैन और स्पीकर की परमिशन के बिना अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो प्रिविलेज है, प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, वो क्रिमिनल केस में एक्सटेंड नहीं होता और ना ही उन केसेस में एक्सटेंड होता जहां प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए डिटेन किया गया। अगर किसी सांसद ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है पार्लियामेंट के बाहर, तो उसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो अध्यक्ष या स्पीकर की परमिशन की जरूरत होगी, और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो बिना किसी परमिशन के उस सांसद या विधानसभा के सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अरेस्ट करने के बाद चेयरमैन या स्पीकर को उस अरेस्ट की इंफॉर्मेशन उस पुलिस ऑफिसर को, उस जज को या उस मजिस्ट्रेट को जिसने सांसद को अरेस्ट किया है देनी होगी। क्यों अरेस्ट किया है, कहां पर डिटेन किया है अरेस्ट करने के बाद, और अगर इम्प्रिजनमेंट में है तो कहां पर इम्प्रिजन किया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्पीकर या चेयरमैन को, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को देनी होगी अगर किसी सांसद को अरेस्ट किया है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। और अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो अध्यक्ष या स्पीकर के सहमति से ही, परमिशन लेकर ही अरेस्ट किया जाएगा। तो जैसा किरण जी बता रही थी
कि जब पार्लियामेंट या असेंबली सेशन में है और जब सेशन में नहीं है तो इन दोनों स्थितियों में प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। साथ ही क्रिमिनल केस और सिविल केस में भी गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग कानून हैं। हालांकि एक बात जो नोट करने वाली थी वो ये कि चाहे सदन सेशन में हो या फिर सेशन में नहीं हो, स्पीकर को किसी भी केस में आपको इन्फॉर्म करना ही होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक मुल्क में अरेस्ट को लेकर इस तरह का विशेषाधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि सब लोग इक्वल हैं, उसकी अवहेलना करता है। लेकिन किरण जी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं, वे कहती हैं कि चूंकि गिरफ्तारी से पूरी तरह से छूट नहीं है इसलिए ये जो प्रिविलेज हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। वे कुछ वजहें भी गिनवाती हैं कि क्यों इस तरह के प्रोविजन कुछ हद तक जरूरी हैं। अरेस्ट से बिल्कुल छूट नहीं है, अरेस्ट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी स्पीकर की या चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। जैसे कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर अरेस्ट करना हो ना तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है अथॉरिटीज से, उसके लिए भी परमिशन चाहिए। तो ये कोई एब्सोल्यूट प्रिविलेज नहीं है कि आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और जहां तक इक्वालिटी की बात है तो आर्टिकल 14 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। वहां पर भी इक्वालिटी का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को एक सा ट्रीटमेंट हो, उसमें ये है इक्वालिटी को इक्विटी के साथ हम लिंक करके पढ़ते हैं कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तो जो हमारे सांसद हैं उनमें और हम जो जनता हैं थोड़ा फर्क है, उनको संविधान में स्पेशल राइट मिले हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वो हमारे बिहाफ पे बात करेंगे। और क्योंकि पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स भी होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फॉल्स डिस्प्यूट होते हैं, फॉल्स केसेस फाइल हो जाते हैं और इमीडिएटली अगर एकदम से सांसद को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसकी रेपुटेशन को ज्यादा लॉस हो सकता है कि जब तक वो प्रूव होगा कि नहीं ऐसा उसने कोई क्राइम नहीं किया और उसको कोर्ट से बरी किया जाएगा, तब तक उसको ये जो सांसद के अधिकार हैं वो सब छिन जाएंगे। इन चीजों को रोकने के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस एंड स्पेशल पावर्स एंड इम्यूनिटीज सांसद को दी गई है हमारे संविधान में और बाकी कानूनों में। तो उसको हम ये नहीं कह सकते पूरा पूरा कि ये इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन है। हाँ, कुछ तक हद तक हम मानेंगे कि वॉयलेशन है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि किस कंडीशंस में सांसद काम करते हैं और किस कंडीशन में हम हैं, तो इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये थी सांसदों विधायकों की गिरफ्तारी को लेकर पूरी बात। आखिर में चलते चलते एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, जीके टाइप मटेरियल है, शायद आपके किसी काम आ जाए। राज्य की पुलिस ने अब तक सिर्फ 3 बार केंद्र के किसी सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को गिरफ्तार किया है। एक तो 2021 का मामला था जब केंद्र में मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ऐसा मामला 2001 में हुआ था जब तमिलनाडु में जयललिता मुख्यमंत्री थी और उनकी पुलिस ने तब डीएमके के 2 नेता जो उस समय केंद्र में मंत्री थे, टीआर बालू और एम मारन, उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो एक ये एक्स्ट्रा बात हो गई। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो लिख भेजिए हमें, एड्रेस वही है radio@aajtak.com। किसी और पॉडकास्ट में आपसे हो मुलाकात, तब तक आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।